हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई एक बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी मिल्क शेक की रेसिपी। इसको पीने के बाद आपको पूरे ब्रेकफास्ट जितना आहार मिल जाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर 10 से 15 खजूर डालेंगे। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे जो खजूर है उसके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं है। दोस्तों, अगर आपके पास जो खजूर है उसके अंदर गुठली है तो उसके अंदर से पहले गुठली निकाल लीजिएगा और उसके बाद ही बाउल में डालिएगा। अब इसके अंदर हम करीब 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम डालेंगे। अब इसके अंदर हम आधा कप गरम दूध डालेंगे। दोस्तों, गरम दूध डालने से हमारे काजू बादाम और खजूर बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल्दी से फूल जाएंगे। अब इसको हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ देंगे ताकि काजू बादाम अच्छे से फूल जाएं। दोस्तों, ये शेक इतना ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होते हैं कि सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब उनको पिला सकते हैं। उनको स्कूल की जल्दी में भी आप उनको एक परफेक्ट आहार दे सकते हैं। हमारे को यहाँ पे काजू बादाम को भिगोए हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और इसके अंदर भीगे हुए काजू बादाम और खजूर को डाल देंगे। अब इसके अंदर हम एक केले को काट कर इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम करीब 2 कप दूध इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून शहद डालेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पे शहद डाला है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो इसके अंदर शहद डाल सकते हैं। अगर आप इसको बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसके अंदर शुगर भी डाल सकते हैं। ये लीजिए दोस्तों, मिल्क शेक को मिक्सी में बिल्कुल बढ़िया तरीके से बना लेने के बाद हमारा यहाँ पे मिल्क शेक बिल्कुल 5 मिनट में तैयार हो चुका है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।